दोस्तों इस समय एल्विश यादव और एल्विश आर्मी है वो भाई हाथ धोकर सीधे सीधे मनीषा रानी के पीछे पड़ी हुई है। और जिस तरीके से ये लोग मनीषा रानी के बारे में जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, ये चीज़ें बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं, खास करके उनकी खुद की मानसिकता पर जो इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी का और स्वागत करता हूँ हमारे चैनल फीफा फूस पर। मेरा नाम गणेश कांदू है। दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा जो है इज्जत एल्विश यादव को मिलती है, लेकिन एल्विश आर्मी इस समय जो चीज़ें कर रही है वो बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट है और किसी को भी ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। एल्विश यादव के ऊपर मनीषा रानी कुछ बातें बताती हैं, कुछ इल्ज़ाम लगाती हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि फैक्ट बताती हैं जो कि इनको इनिशियली बुरा लग जाता है। अब मैं जानता हूँ कि भाई कुछ लोग आ जाएंगे कहते हुए कि भाई तू तो एल्विश का हेटर है। भाई हेटर किसी का नहीं हूँ मैं, मेरा काम है कि भाई मैं चीज़ें बताऊं और उसको सही ढंग से बताऊं। अगर हाल फिलहाल देखा जाए मनीषा ने जो भी चीज़ें कही वो एक हद तक सही था। भाई एक आर्टिस्ट अगर हो और अगर उसका कोई हक मारने की कोशिश करे कि कवर पेज पे उसका फ़ोटो ही नहीं लगाना है तो फिर कोलैब क्यों किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बट उसी के साथ साथ एक हैशटैग सोशल मीडिया पर इस समय ट्रेंड हो रहा है और उस हैशटैग का नाम है फेम खोर मनीषा। और भी दो तीन हैशटैग्स हैं जो तो शायद मैं यहाँ बोल भी नहीं पाऊँ सोशल मीडिया पर, बट ये सबसे निचला लेवल है जिस पे जा सकते हैं लोग और ये इस समय देखने को मिल रहा है, जिसकी कड़ी निंदा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।